अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एपिस्टेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एपिस्टेसिस के टॉपिक को एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जिसे बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने अंत तक देखना है। एपिस्टेसिस, याद रखिए, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक जीन किसी दूसरे जीन के फंक्शन में, एक्सप्रेशन में इंटरफेयर करता है। यानी एक जीन है किसी क्रोमोसोम, किसी लोकस पर बैठा हुआ है, किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जो जीन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जीन क्या करता है, नहीं मैं तुम्हें फंक्शन परफॉर्म नहीं करने दूंगा, उसके फंक्शन के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये इनका जो आपस में रिलेशनशिप आ गया, इसे एपिस्टेसिस कहा जाता है। इसमें यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर रहा होता है, छुपा रहा होता है। यानी ये वाला जीन जब शो होगा तो दूसरा जीन छुप जाएगा, दब जाएगा। अलील की बात मैं नहीं कर रहा, अलील क्या होते हैं, एक जीन के वेरिएंट्स होते हैं। यहाँ पर दो जीन्स के दरमियान का रिलेशनशिप है। सो ये इंटरजेनिक लिंकेज है, इंटरजेनिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो होता क्या है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर रहा है, छुपा रहा है। तो ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को छुपा रहा हो, उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। सो एपिस्टेटिक जीन हमारे पास क्या होगा, विच सुप्रेसेस अदर जीन्स एक्सप्रेशन। और ऐसा जीन जो दब जाए, जो दूसरे जीन के अंडर आ जाए, उसे हम हाइपोस्टेटिक, हाइपो मीन बिलो, लो, तो वो दब चुका है, तो उस जीन को हम हाइपोस्टेटिक जीन कहेंगे। सो इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे इसलिए कहा जाता है कि ये वाला फिनोटाइप फर्स्ट टाइम बॉम्बे के अंदर डिस्कवर हुआ था। बॉम्बे फिनोटाइप के अंदर होता क्या है, हम जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन ए और बी एंटीजन बनते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच सब्सटेंस। यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे एच सब्सटेंस कहा जाता है। तो अगर वो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तब ही एंटीजन ए बनेगा या फिर एंटीजन बी बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अलील कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन से अलील उस बंदे का अंदर प्रेजेंट है। अगर अलील ए प्रेजेंट है तो डेफिनेटली फिर रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए बनेगा। अगर अलील बी प्रेजेंट है तो एंटीजन बी बनेगा। अगर ए बी दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं तो एंटीजन ए बी दोनों बनेंगे। सो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर एंटीजन नहीं, अगर अलील ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, दोनों स्मॉल आई हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी एच सब्सटेंस के ऊपर कोई भी और स्ट्रक्चर अटैच नहीं होगी। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंटीजन डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच सब्सटेंस ऑन द रेड ब्लड सेल। यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर एच सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो एंटीजन ए और एंटीजन बी बनेगा। बट वो एच सब्सटेंस जब हम देखते हैं तो उस एच सब्सटेंस की सिंथेसिस में भी एक जीन इन्वॉल्व होता है। यानी एच सब्सटेंस को बनाने में एक जीन इन्वॉल्व होता है और उस जीन के दो अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील जिसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रिसेसिव अलील जिसे स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होता क्या है, ये वाला जो एच जीन है ये प्रेजेंट होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19, ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 19 पर एक एच जीन होता है जिसके दो अलील्स होते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच। सो अगर कैपिटल एच वाला अलील उस बंदे के अंदर प्रेजेंट हो तो कैपिटल एच वाला अलील क्या करता है, ये डोमिनेंट अलील है, ये एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है जिसे फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहा जाता है, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये अलील जब एक्सप्रेस होगा ये वाला एंजाइम बनेगा, ये वाला एंजाइम बनेगा तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम, ये रेड ब्लड सेल में एक मालिक्यूल होता है जिसे फ्यूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूकोज। ये फ्यूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एंजाइम क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, फ्यूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है आउटसाइड द सेल, रेड ब्लड सेल से बाहर लेकर जाता है, और रेड ब्लड सेल से बाहर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, यानी 2 से 10 जो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट होते हैं मोनोसैकेराइड, तो वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। सो ओलिगोसैकेराइड्स ऑलरेडी रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोज को ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करवाने वाला जो एंजाइम होता है वो फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज होता है, जिसे कोड करने के लिए एच एलील रिस्पॉन्सिबल होता है या एच जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर फ्यूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है ओलिगोसैकेराइड के साथ। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये सारा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कहलाता है, इस मॉलिक्यूल को अब हम कहते हैं एच सब्सटेंस। क्या कहते हैं, एच सब्सटेंस। सो अगर ये एच सब्सटेंस होगा
तो ही एंटीजन ए या एंटीजन बी बन सकेंगे। और एंटीजन ए और एंटीजन बी हम जानते हैं कौन से क्रोमोसोम से बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 से बनते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए ज़रा सा समझा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक रेड ब्लड सेल आ गया और इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल बोन मैरो के रेड ब्लड सेल्स हैं, याद रखिए न्यूक्लिएटेड हैं। जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता। सो इनके अंदर न्यूक्लियस है, डेफिनेटली क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम नंबर नाइन पर ए बी ओ ब्लड ग्रुप के अलील्स होते हैं। यहाँ पर एक अलील होगा, यहाँ पर भी अलील होगा। सपोज ये वाला अलील है ए और इसे हम स्मॉल आई कह दें। ए क्या है? डोमिनेंट अलील है ओवर आई। सो ए एलील क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है जिसे ट्रांसफेरेज ए एंजाइम कहा जाता है। ट्रांसफेरेज ए एंजाइम क्या करता है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, कौन सा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन। सो इस मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये एंजाइम लेकर सेल से बाहर जाता है। ये एंजाइम लेकर जब सेल से बाहर जाता है तो सेल से बाहर एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसे एच सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल एच सब्सटेंस के ऊपर अटैच हो जाता है। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है, जैसे मैंने कहा एन एसिटाइल ग्लेक्टोजामीन। तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पर अटैच होता है तो इस होल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ए एंटीजन। आ रही है बात की समझ? तो इस तरीके से क्या होता है, यानी एच सब्सटेंस का रेड ब्लड सेल के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तब ही एंटीजन की सिंथेसिस हो सकती है। अब आप खुद बताओ कि अगर ये एच सब्सटेंस यहाँ रेड ब्लड सेल के ऊपर नहीं होगा तो ए एंटीजन या बी एंटीजन या ए बी एंटीजन दोनों बन सकेंगे? डेफिनेटली नहीं बन सकेंगे। सो एच सब्सटेंस को बनाने के लिए जो जीन इम्पॉर्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एच जीन कहते हैं, जिसके दो अलील्स हैं। तो अगर कैपिटल अलील आया तो एच सब्सटेंस बनेगा। बट समटाइम ऐसा होता है कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, सो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 19, इसमें जो एच जीन है उसकी दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कॉपीज आ जाती हैं। यानी जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल एच स्मॉल एच। अब आप जानते हैं स्मॉल एच क्या है, एक रिसेसिव कॉपी है, एच एलील का म्यूटेंट है। और जब ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, याद रखिए। जब कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा तो एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी ये एंजाइम नहीं बनेगा तो एच सब्सटेंस नहीं बन पाएगा। सो जब स्मॉल एच का केस आएगा तो एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी, एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एच सब्सटेंस नहीं बनेगा। और अगर एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो अगर उस बंदे के अंदर ब्लड ग्रुप जो भी है, उस बंदे के क्रोमोसोम नंबर 9 पर अलील ए है बी है जो भी है, वो वाला अलील अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस अलील को यहाँ पर एंटीजन बनाने के लिए एच सब्सटेंस की ज़रूरत है। और अगर एच सब्सटेंस नहीं है तो वो एंटीजन नहीं बना पाएगा। सो ऐसे इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिकली ओ हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या हो, एंटीजन कोई भी ना हो तो उस ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल क्विकली कर लेते हैं। सपोज एक पेरेंट्स हैं, सपोज दिस इज मेल पेरेंट, दिस इज फीमेल। कंबिनेशन क्या है एलील का, ए ए। इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। इसका कंबिनेशन एलील का क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बी। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। तो इनके जब ऑफस्प्रिंग होंगे तो उससे पहले इनके एलील्स बनेंगे। यहाँ पर एलील्स क्या बनेंगे, दोनों कैपिटल ए, डेफिनेटली गेमीट्स बनेंगे, सॉरी दोनों कैपिटल ए वाले गेमीट बनेंगे। यहाँ पर गेमीट क्या बनेंगे, या तो गेमीट के अंदर क्या होगा, कैपिटल ए आएगा, या फिर गेमीट के अंदर कैपिटल बी आएगा। तो यहाँ पर अगर हम पनेट स्क्वेयर ड्रा करें, सो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो इनके जब ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उनके अंदर 50% चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप ए लेकर बच्चा पैदा हो, और 50% चांसेस हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। सो 1:1। बट अगर इन इंडिविजुअल के अंदर कौन सा, हेटरोजाइगस एच जीन हो, यानी इन इंडिविजुअल्स के अंदर बॉम्बे फिनोटाइप का अगर हम केस देखें, तो क्रोमोसोम नंबर 19 पर सपोज ये मेल पेरेंट है, उसके अंदर एच जीन का कम्बिनेशन ये है, और ये फीमेल पेरेंट है, उसके अंदर एच जीन का कम्बिनेशन ये है, हेटरोजाइगस, एक कैपिटल एच स्मॉल एच, और एच जीन क्या करता है, एच सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। तो इनके जब गैमीट्स बनेंगे,
इन एलील्स, ये एलील्स कैसे ट्रांसफर होंगे गैमेट्स के अंदर, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच यहाँ से आएगा, स्मॉल एच यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर हम मेल का केस देख लेते हैं, यहाँ पर फीमेल का केस है, तो चांसेस क्या है, ये वाला कैपिटल एच इसके साथ मिल जाए, दूसरा चांस क्या है, ये वाला कैपिटल एच मेल का इस फीमेल गैमेट के साथ मिल जाए तो ये बन सकता है, ये वाला एच मेल का इसके साथ मिल जाए कैपिटल एच के साथ फीमेल के, ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला एच इसके साथ मिल जाए तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं जब कैपिटल एच आएगा तो डेफिनेटली एच सबस्टांस बनेगा, तो थ्री जो इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके अंदर एच सबस्टांस बनेगा और ब्लड ग्रुप ये रहेगा। बट 1/4% चांसेस ये हैं, यानी उन चार में से चांसेस क्या हैं कि एक बच्चा जो है उसके अंदर अलील का कॉम्बिनेशन ये आ जाए, और जब अलील का कॉम्बिनेशन ये आएगा तो डेफिनेटली कोई भी एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, जब एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो उन बंदों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, ऑल दो पेरेंट का ब्लड ग्रुप एंड ए बी है, बट बच्चे के अंदर चांसेज हैं 1/4% चांसेज हैं कि ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो। सो यहाँ पर एच एच जो जीन आ गया आपके पास, वो एपिस्टेटिक जीन आ गया, उसने ए बी और ए जीन को क्या कर दिया, मास्क कर दिया, छुपा दिया, सुप्रेस कर दिया। ओके, अब हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया, एपिस्टेसिस को। एपिस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर देता है, छुपा देता है। तो ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर दे उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और जो सुप्रेस हो जाए उसे हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमने स्टडी की बॉम्बे फिनोटाइप की, जिसमें हमने देखा कि ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें ब्लड ग्रुप ए जो है वो एंटीजन ए बनाता है, ब्लड ग्रुप बी जो है वो एंटीजन बी बनाता है। सो ए और बी एंटीजन की सिंथेसिस के लिए एच सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और एच सब्सटेंस को जब हम देखते हैं तो उसको कोड करने के लिए या उसकी सिंथेसिस के लिए एक जीन इन्वॉल्व है जिसे एच जीन कहते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट होता है, और उस जीन के दो अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील होता है जिसे एक कैपिटल एच से शो करते हैं, एक रिसेसिव अलील होता है जिसे स्मॉल एच से शो करते हैं। ओके, अगर कैपिटल अलील प्रेजेंट हो तो क्या होता है, एक एंजाइम की सिंथेसिस होती है जिसे फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, फ्यूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करवाता है ऑन टू द ओलिगोसेक्राइड और एच सब्सटेंस बन जाता है। अब ये एच सब्सटेंस जब बनता है तो क्या होता है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी बन सकता है, और एंटीजन ए और एंटीजन बी किसी और क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एच सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और एच सब्सटेंस उसी सूरत में बनेगा जब आपके पास कम से कम एक डोमिनेंट एच एलील इनहेरिट हो फ्रॉम पेरेंट्स। और याद रखिए कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, और ये बहुत बहुत रेयर केस है, बहुत कम होता है, 1/1 मिलियन ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों स्मॉलर एच यानी लोअर केस ऑफ एच एलील एच जीन आ जाएंगे, जिसे एच एलील कहते हैं, ये होमोजाइगस केस है। तो अगर ये वाले एलील आएंगे तो नो इंजाइम प्रोड्यूस होगा, कोई भी इंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इंजाइम जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, और अगर एच सब्सटेंस नहीं बनता तो एंटीजन ए या एंटीजन बी उसके एलील अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो एलील क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को उन एलील उन एंटीजेंस को एच सब्सटेंस के ऊपर अटैच नहीं कर पाएंगे, तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इसकी एग्जांपल हमने स्टडी की कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो तो अगर एच सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी अगर कॉम्बिनेशन किसी बच्चे के अंदर स्मॉल एच वाली आ जाएगी तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।